नमस्कार दोस्तों, चांद पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने अपना शुरू मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लॉन्च कर दिया है। आज से ठीक 4 महीने बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। धरती से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर जाने वाला है। दोस्तों, क्या है आदित्य L1 और क्या करने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 को जानने से पहले हम समझेंगे कि सूर्य कैसा है। सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही चांद, एस्टेरॉयड, धूमकेतु सौर मंडल में टिके हुए हैं। दोस्तों, सूर्य 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, हेवियर। हेवियर का मतलब है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियोन, आयरन एंड सल्फर। सूर्य 6 लेयर से मिलकर बना हुआ है और सबसे अंदर वाली लेयर को कोर कहा जाता है। इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य में हर सेकंड 600 मिलियन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, जिसके कारण 4 मिलियन मीटर एनर्जी उत्पन्न होती है। ये एनर्जी 1,00,000 करोड़ परमाणु बम के विस्फोट जितनी होती है। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है, बल्कि धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी का सामना कर सके। दोस्तों, क्या सूर्य खत्म होगा? जैसे हर एक तारे की एक उम्र होती है, ठीक वैसे ही सूर्य की भी एक उम्र है। 450 करोड़ साल फिलहाल सूर्य की उम्र बताई जाती है। इसके अब 1000 करोड़ साल बचे रहने की उम्मीद है। इसके खत्म होने को लेकर वैज्ञानिक 2 तरह की थ्योरी देते हैं। पहला, एक निश्चित समय के बाद सूरज के अंदर होने वाला फ्यूजन कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ऊर्जा कम हो जाएगी और सूर्य सिकुड़ने लगेगा। इसकी बाहर की परत ठंडी हो जाएगी और ये टूटकर बिखरने लगेगा। इसके टुकड़े दूसरे ग्रह से टकराएंगे और दूसरे ग्रह नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी थ्योरी ये है कि सूरज एक निश्चित समय के बाद ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और सारे ग्रहों को अपनी खतरनाक ग्रेविटी से अंदर खींच लेगा। दोस्तों, ये तो हो गई सूर्य की बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या है आदित्य L1 और क्या करने वाला है। संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सैटेलाइट स्टेशनरी रह सकती है और सन को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के स्टडी कर सकती है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग कैमरा और सेंसर लगे हुए हैं जो सूर्य और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। सन की स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा प्लेनेट अर्थ और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट फ्यूचर में किस तरह इवोल्व होंगे, ये सन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और सालों से एक मिस्ट्री अनसोल्व्ड है कि सूरज का आउटर एटमॉस्फेयर सूरज के सरफेस से ज्यादा गर्म क्यों है। और आदित्य L1 बाकी की स्टडी के साथ साथ इस मिस्ट्री को भी सोल्व करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।